साथियों, सरदार साहब की प्रेरणा से ही हम संपूर्ण भारत के इमोशनल, इकोनॉमिक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन पर बल देने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये वो प्रयास है जिसके बगैर 21वीं सदी के विश्व में भारत की मजबूती की कल्पना हम नहीं कर सकते। भाइयों और बहनों, याद करिए, एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट और शेष भारत के बीच की अविश्वास की खाई इतनी गहरी होती जा रही थी। वहां की फिजिकल कनेक्टिविटी और इमोशनल कनेक्टिविटी दोनों को लेकर गंभीर सवाल बार बार खड़े होते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल रही है। आज नॉर्थ ईस्ट का अलगाव, आज नॉर्थ ईस्ट का अलगाव लगाव में बदल रहा है। दशकों पुरानी समस्याएं अब समाधान की तरफ बढ़ रही है। हिंसा और ब्लॉकेड के एक लंबे दौर से पूरे नॉर्थ ईस्ट को मुक्ति मिल रही है, और ये भी डंडे की जोर पर नहीं, उनके साथ भावात्मक नाता जोड़ करके। देश में इंटीग्रेशन के अन्य प्रयास भी, ये हमारी अविरत प्रक्रिया है, निरंतर जिम्मेवारी है और सभी देशवासियों की जिम्मेवारी है। और इसलिए भाइयों बहनों, लगातार हमारी कोशिश है, और आप देख रहे हैं आधार की चर्चा है। आखिर आधार है क्या? आधार यानी वन नेशन वन आइडेंटिटी हो, जीएसटी यानी वन नेशन वन टैक्स हो, ईनाम यानि वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट हो, बिजली और गैस के लिए वन नेशन वन ग्रिड हो, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड हो, वन नेशन वन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, या फिर वन नेशन वन रेशन कार्ड हो, ये सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को मजबूत करने का ही काम कर रहे हैं।